गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9th की निर्देशांक ज्यामिति आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको सबसे पहले हम संख्या रेखा जो चैप्टर 1 में पढ़ा चुके थे कि संख्या रेखा होती है, तो जो संख्या रेखा का मध्य बिंदु होता है जहाँ पे 0 अंक होता है ना, तो 0 अंक के इस साइड की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और 0 के इस साइड में जो भी होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, जो कि पूर्णांक में आपने पढ़ा है। इसी प्रकार जब हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ये क्षैतिज रेखा है जो कि आपने पूर्णांकों में की थी, इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा में भी आपका जो है 0 से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और 0 से नीचे की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती है। तो संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के मध्य बिंदु को, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, इसके मध्य बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। यानी यहाँ पे जो हमने ओ लिखा है, ओ बिंदु जो है वो मूल बिंदु हो गया। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। इसके बाद क्षैतिज रेखा होती है, उसको हम एक्स एक्स डैश से लिखते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको वाई वाई डैश से लिखते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक मान हमेशा 0, 0 होते हैं। ओ एक्स और ओ वाई, ओ एक्स और ओ वाई की दो धनात्मक दिशा और दो ऋणात्मक होती है। ओ एक्स धनात्मक होता है, ओ वाई ऋणात्मक होता है, ओ वाई डैश ऋणात्मक होता है और ओ एक्स डैश भी ऋणात्मक होता है। अच्छा, अब देखिए कि एक्स और वाई अक्ष के बने तल को निर्देशांक तल कहते हैं। एक्स और वाई अक्ष से जो तल बनता है इसको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक तल कहते हैं, या उसका दूसरा नाम भी है जो आप पढ़ेंगी, कार्तीय तल। क्या पढ़ेंगी? कार्तीय तल। निर्देशांक तल को हम कार्तीय तल भी कहते हैं। उसके बाद जो है आप इसको जो है एक्स और वाई अक्ष तल को चार भागों में बांटते हैं। एक्स और वाई अक्ष है, इसको हम चार भागों में बांटते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये जो है एक भाग जो है वो कहलाता है चतुर्थांश। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो जैसे ये कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश और ये कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद जो है आप कार्तीय तल में दोनों अक्षों और चारों दोनों अक्ष जो हैं और चारों चतुर्थांश को हम अगर सम्मिलित कर लें तो कार्तीय तल निर्देशांक तल या एक्स वाई तल भी कहलाता है। ये पूरा तल क्या कहलाता है? एक्स वाई तल या निर्देशांक तल। पूरे तल को हम क्या कहते हैं? एक्स वाई तल या निर्देशांक तल कहते हैं। मतलब इसमें जो है दोनों एक्सिस शामिल कर लें, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश और सारे चतुर्थांश शामिल कर लें तो हमको एक्स वाई तल इसको कहा जाता है। अच्छा, अब है किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक जो है वाई अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है। तो इसमें जो है अगर वाई अक्ष से लंबवत दूरी मान लीजिए हम ऐसे खींचते हैं लंब, बिल्कुल सीधी रेखा, तो ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है और इसको एक्स अक्ष से हम नापते हैं, मतलब ये कितनी दूरी है ये एक्स का निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक को एक्स अक्ष के जो निर्देशांक है मतलब इस चीज को हम कहते हैं भुज। एक्स अक्ष का जो भी मान आता है उसको हम कहते हैं भुज।
इसके बाद अगर हम y अक्ष से दूरी नापें, अगर हम यहाँ से नापें y अक्ष के समांतर ऐसे रेखा खींच दें, तो ये दूरी जो है ये y अक्ष के समांतर है और ये y का मान है। y के मान को हम कोटि कहते हैं। y के मान को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो x अक्ष का निर्देशांक भुज और y अक्ष का निर्देशांक कोटि कहलाता है। और इसको हम पहले भुज लिखते हैं x और फिर कोटि लिखते हैं y। मतलब आप पहले देखिएगा x का मान क्या है, पहले x लिखेंगी, कॉमा लगाएंगी और y लिखेंगी। अब किसी प्रश्न में अगर आपको लिखा है कि निर्देशांक है 2 और 3, तो भुज और कोटि बताओ, तो आप आंसर में लिखेंगी भुज बराबर 2, कोटि बराबर 3। जो सेकंड चीज़ है वो आपकी क्या है? कोटि है। जो फर्स्ट चीज़ है वो भुज है। अब आते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0, है ना, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि के चिन्ह दोनों प्लस प्लस होते हैं, ठीक है, ये भी प्लस की तरफ है और ये भी प्लस की तरफ है। द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, जबकि y क्या है? प्लस में है, तो इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश में आ रहे हैं तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये साइन हो गया आपका माइनस माइनस। उसके बाद आता है चतुर्थ में, तो चतुर्थ में x तो प्लस में आ गया और y माइनस में आ गया, तो जब ऐसे साइन बने हों प्लस और माइनस तो ये चतुर्थ में होते हैं। तो अगर हमें कोई बिंदु मालूम है, जैसे 2 और 3 मालूम है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा? दोनों प्लस में है तो इसमें आएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई बिंदु -2 और -3 दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस किस में होते हैं? तृतीय में, तो आप कहेंगी ये तृतीय चतुर्थांश में है। अगर कोई बिंदु आपको -4 और 5 में दिया है, तो -4 और -5 किस में होते हैं? द्वितीय में होते हैं। और अगर कोई आपको दिया है 4 और -5, यानी एक धन और एक ऋण, तो एक धन और एक ऋण किस में है? चतुर्थ में। तो आपको क्वेश्चन में ये इस तरह से पूछा जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो ये जो हमने लेसन आपको समझा दिया है, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको जो है इस पे आधारित क्वेश्चन करने होंगे। तो इसको अच्छे से सीखिएगा, जितनी भी परिभाषाएँ हमने बताई हैं उसको